मोटरसाइकिल की सवारी कर सांसद गजेंद्र पटेल मुकातीपुरा पहुंचे हैं। वहीं हम बता दें आपको कि नॉन स्टॉप मैराथन करते हुए इंदौर से 14 घंटे में अपने गृह ग्राम पहुंचे संजय मुकाती का यहां सम्मान किया गया है। बुधवार को सांसद गजेंद्र पटेल ग्राम मुकातीपुरा पहुंचे थे और संजय के परिजनों से मुलाकात कर संजय का पुष्पहारों से स्वागत किया और बधाई दी। वहीं शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा है कि एक पिता का जीवन तभी सफल होता है जब उनके बच्चे कुछ कर दिखाएं। संजय एक छोटे से गांव से हैं और उन्होंने यहां इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। पूरे गांव को संजय पर गर्व है। ईश्वर से कामना करते हैं कि मलेशिया में संजय एक अद्भुत प्रदर्शन करे, तो वहीं इस दौरान अनेक लोग शामिल रहे। मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं कि मेरे लोकसभा का एक ऐसा जाबाज युवा जिसने अपने गांव का नहीं इस पूरे लोकसभा का नाम रोशन किया है और वास्तव में उसमें इतनी प्रतिभाएं हैं कि आने वाले समय में हम भी देखेंगे और देश और दुनिया भी देखेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि गांव का व्यक्ति बहुत मजबूत रहता है और उसकी प्रतिभाएं छुपी रहती हैं, उसने उसकी प्रतिभाएं बाहर आई है और निश्चित तौर पर उसकी प्रतिभाओं का दुनिया नज़ारा देखेगी। जिस प्रकार से मैराथन दौड़ को उन्होंने पूरा किया और संकल्प को साबित किया और बड़े सपने और बड़ा लक्ष्य है उसका, तो कहीं कहीं उस लक्ष्य पे कामयाब होंगे, इस बात की बड़ी खुशी है। उनको मैं बधाई देता हूँ, इतनी कम उम्र में इतने बड़े मिशन को कामयाब करने का उन्होंने मिशन तय किया और अच्छी सफलता अर्जित कर रहे हैं। मैं पूरी लोकसभा की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि मेरे लोकसभा का ऐसा जावा युवा दिन रात प्रगति करें और कई मेडल और पुरस्कार जीते। अभी आप संजय मुकाती जी के गांव में बधाई देना आया, रास्ते में जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के जिस रास्ते से आप गुजर के आए हैं, बड़ी मुश्किल से बाइक से भी चलना हुआ यहाँ पहुँचना हुआ, उस बारे में क्या आपका वो रहेगा? मुकातीपुरा गांव में आने का रास्ता काफ़ी ख़राब है और लंबे समय से गांव के लोगों की डिमांड है कि रोड बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान की सरकार ने इस पर पहल करना चाहिए। ये रोड लंबे समय से खराब है और मुझे ऐसा जानकारी कि ये गांव कहीं के उस परंपरागत पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपने स्तर पर राज्य सरकार से बात करूँगा कि रोड का जल्दी से निर्माण हो और ये रोड जल्दी शीघ्र बने।